नमस्कार मित्रों, क्या हाल हैं। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है विभाजकता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। कैसे किसी संख्या को देखकर पता लगाया जाए कि ये संख्या इस संख्या से डिवाइड हो जाएगी या नहीं। इस क्लास को देखने के बाद ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। इस क्लास में आखिर होता है क्या, देखिए। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले शुरू करते हैं दो के नियम से। दो के नियम से कैसे किसी संख्या को देखकर पता लगा जाए कि ये संख्या दो से डिवाइड हो जाएगी या नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा, आप बताइए बच्चों, 3, 4, 9, 6, क्या ये संख्या दो से डिवाइड हो जाएगी। हमने बचपन में पढ़ रखा है कि अगर इकाई का अंक सम संख्या है, 0, 2, 4, 6, 8 है, तो ये संख्या दो से डिवाइड हो जाएगी। तो हमें पता लग गया कि ये संख्या दो से डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, इसकी जगह पर अगर 7 होता तो क्या ये संख्या दो से डिवाइड होती। बच्चों बताइए, क्या ये संख्या दो से डिवाइड होती, क्या नहीं होती, क्योंकि इकाई का अंक हमारा यहाँ पर ऑड है, ठीक है। मैंने कहा था 0, 2, 4, 6, 8, ऐसी संख्या अगर किसी संख्या के पीछे है तो वो संख्या हमारी डिवाइड हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, हमें कैसे पता लगा कि हम इकाई को अंक को ही क्यों देखें, ठीक है। तो मैं इस बात को बताता हूँ। सबसे पहले हमने बचपन में लिखा था कि ये 1000 की जगह पर है तो ये 3000 हो गया, है ना। इसको लिख सकते हैं 3 × 1000, लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अब चार की बारी, तो इसको 4 × 100 लिख सकते हैं क्या बच्चों, लिख सकते हैं। ये 9 है, 9 × 10 लिख सकते हैं क्या इसको, ठीक है। अब हमें पता लगा कि ये जो संख्या है पूरी दो से डिवाइड हो रही है, क्योंकि इसमें 2 का भाग जाता है तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा, है ना। इसमें जाता है 100 में 2 का भाग जाता है तो इसमें भी जाएगा, है ना। तो ये तो 2 क्लियर हुई। अरे 10 में जाता है 2 का तो इसमें भी चला जाएगा। अब हमारी आखिरी संख्या बचती है, अगर इसमें चला जाए तो समझो 2 का चला गया, है ना। तो ये ऑड हमें पता चला, 0, 2, 4, 6, 8, अगर ऐसी संख्याएं हैं तो 2 से भाग चला जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। अच्छा, आपने 4 का नियम पढ़ रखा है क्या। 4 का नियम सेम ऐसा ही है, देखिए। 4 के नियम में क्या होता है कि पीछे वाले 2 अंकों को देखा जाता है। जैसे मैंने लिखा, पीछे वाले 2 अंकों को देखना चाहिए बच्चों। हमने ये देखा, क्या इसमें 4 से भाग जा रहा है। अगर किसी भी संख्या के पिछले इकाई और दहाई के अंकों में अगर भाग चला गया तो 4 से भाग चला जाएगा। 2 का हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम 4 का पढ़ रहे हैं। 4 का नियम क्या है, 4 का भी सेम है, इसीलिए तुरंत ही बता दे रहे हैं, ठीक है। 2 के में इकाई का अंक देखते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, आपको रट जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो 4 का नियम है, 4 का नियम है इकाई और दहाई के 2 अंकों को पीछे। अच्छा, हमें कैसे पता चला कि 2 के अंक ही क्यों देखें, तो हमको इसको देखना होगा, थोड़ा सा देख लो, है ना, फिर आगे हम डायरेक्टली करते जाएंगे। हमें पता चला 16 है, 16 4 से डिवाइड होता है तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हमें देखना होगा, 3 × 1000 लिख सकते हैं क्या इसको, 6 × 100 लिख सकते हैं क्या इसको, लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस 1 × 10 प्लस 6 लिख सकते हैं क्या इसको। तो हमें पता चला कि ये जो संख्या है 4 से डिवाइड होती है, तो ये पूरी संख्या 3 × 3000 पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। ये संख्या 4 से डिवाइड होती है तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन 10 4 से डिवाइड नहीं होती तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो हमें पता चला कि पिछले 2 अंकों पर 4 का नियम डिपेंड करता है। 4 जो है पिछले 2 अंकों पर डिपेंड करता है। अगर पिछले 2 अंकों में 4 का भाग चला जाए तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। अगर हमें पता चला, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, है ना। आपको अब ये पता लग गया होगा कि पिछले 2 अंक क्यों देखा जाता था। आपने पढ़ भी रखा होगा कई बार, लेकिन आप समझो, अगर पीछे 16 है तो 4 का भाग चला जाएगा क्या। जी बिल्कुल चला जाएगा। मैंने कहा अगर पीछे 20 है तो चला जाएगा क्या 4 का भाग, तो हम चेक करेंगे 20 को, 20 में चला जाता है तो पूरी संख्या में चला जाएगा, है ना। अब हम ट्राई करेंगे 22 को, अब चेक करो पिछले 2 अंकों में 4 का भाग चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो इस पूरी संख्या में नहीं जाएगा। अच्छा, मैं एक
एग्जाम्पल लेता हूँ उसको करके बताना जरा। 3772, क्या इस संख्या में चार का भाग चला जाएगा क्या बच्चों? बताइए जरा, क्या इस संख्या में चार का भाग चला जाएगा क्या बताइए? मैंने कहा था इकाई और दहाई के अंक, पिछले दो अंकों को देख लो, हमारी पूरी संख्या का पता चल जाता है। चाहे संख्या इतनी बड़ी हो चाहे इतनी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, पिछले दो अंकों को देख लो बच्चों आसानी से। चार का भाग लगाओ, चार एक चार, पचे तीन, चार अठ बत्तीस, अठारह बार बहत्तर में जा रहा है ना। इसका हमें ये पता चल गया कि चार में बहत्तर से, चार से बहत्तर में पूरा पूरा भाग जा रहा है, जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में चार से भाग चला जाएगा। बोलिए ज़रा, चलाया जाएगा क्या? ठीक है, अब ये एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, इसको करके बताइए एक बार। अच्छा, चार जैसा ही नियम होता है आठ का, चार का नियम क्लियर हो, आठ का भी, आठ चार जैसा ही है। पहले दो में क्या देखते थे? पिछला एक अंक, हमको हमने पता करा कि पिछला वाला अंक देखते हैं, कोई संख्या है पिछला वाला अंक देखते हैं, ठीक है, इसमें कोई संख्या है, पिछले वाले दो अंक देखते हैं, ठीक है, इसमें कोई संख्या है, कितनी भी बड़ी है, इसमें इकाई दहाई और सैकड़ा, वंस टेंस एंड हंड्रेड्स वाले नंबर को देखते हैं, किसमें? आठ के नियम में। आठ के नियम में कोई भी संख्या ले लो, तीन चार वन टू फोर, है ना, ये संख्या को पता लगाना है कि ये संख्या आठ से डिवाइड हो जाएगी या नहीं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पिछले तीन अंकों में आठ से भाग लगा कर देखेंगे, अगर आठ से भाग लग गया तो ये पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो क्या 124 आठ से डिवाइड हो रहा है? आठ से डिवाइड करके देखते हैं बच्चों, आठ एक आठ, बचे कितने, आठ चवालीस, चवालीस में भाग नहीं जाता। क्या चार का भाग इसमें जाएगा? नहीं जाएगा, 124 चार से डिविजिबल नहीं है। तो क्या ये पूरी संख्या डिवाइड होगी? नहीं होगी। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, 4, 3, 8, 2, 1, 6, 1, 5, 2, 9, और पीछे लिख दिया मैंने 1, 2, 8, क्या ये संख्या आठ से डिवाइड हो जाएगी क्या बताइए जरा? आठ से डिवाइड हो जाएगी क्या? हमें इस पूरी संख्या से अभी मतलब नहीं है, हम इन तीन अंकों को देखेंगे आठ के नियम के लिए, अगर इन तीन अंकों में आठ से भाग चला जाए तो ये पूरी संख्या आठ से डिवाइड हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो इसमें आठ से भाग लाकर देखेंगे, आठ एकन आठ, बची चार, इसके बगल में आ गई, क्या 48 में आठ से भाग जाता है? बोलो, आठ छक्के 48, ठीक है, तो ये पूरी 128 जो है आठ से डिविजिबल है। तो क्या ये पूरी संख्या आठ से डिवाइड ना होगी? हो जाएगी। चाहे किसी का फ़ोन नंबर ले लो, फ़ोन नंबर में पीछे वाले अगर अंकों को देख के देख लो, फ़ोन नंबर हो या फ़ोन नंबर से बड़ी संख्या हो, पिछले वाले तीन अंक देख लोगे, केवल देखने से ही काम नहीं चलेगा, चेक करोगे कितनी बार भाग जा रहा है ना, ये वाली अगर आपको ये पता चल जाए कि आठ से भाग जा रहा है तीन अंकों, केवल इतना पता चल जाए, बस पूरी संख्या डिवाइड होनी है। अच्छा ठीक है, हमने देखा 2 की पावर 1 है तो पिछला वाला एक अंक देखते हैं, ठीक है, पिछला एक अंक देखते हैं, ठीक है, अगर 2 की पावर 2, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसमें पीछे वाले दो अंक देखोगे, अगर 2 की पावर 3 है तो 3 अंक देखोगे, ऐसे ही 2 की पावर 4 है यानी कि 8 × 16, 16 में पिछले 4 अंक देखोगे, कितने देखोगे, 4 अंक। मैंने जो बताया वही सिस्टम है, वही वाला, मैंने बोला कोई संख्या है 3, 4, 2, 1, 5, 2, 1, 6 ले, यह संख्या है तो हम इसको 3 × 1000 प्लस 4 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 6, हम 8 के लिए चेक करें तो देखो 1000 में 8 का भाग चला जाता है, लेकिन 100 में 8 का भाग नहीं जाता है, है ना, तो 100 में नहीं जाता तो इसमें कैसे चला जाएगा, है ना, तो हमारी संख्या तीन अंकों पर डिपेंड करती है। ऐसे ही करके 16 का है ना, ऐसे ही आप अंदाज़ा लगा लो, है ना, पिछले 4 अंक देखते हैं, 16 में पिछले 4 अंकों को देखा जाता है, 1000 तक की संख्या को, 1000, सैकड़ा, दहाई और इकाई की संख्या को। क्या ये बात क्लियर हुई, है ना? ऐसे ही अगर 32 का भी नियम ऐसा ही बन जाएगा, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 4 में 4 अंकों को देखा जाएगा, 2 की पावर 5 में 5 अंकों को देखा जाएगा। क्या ये वाली बात आपको पहले से पता थी क्या, बताइए जरा,
पिछले वाले तीन है, ये जीरो जीरो नहीं है, इसका मतलब पीछे वाले अंक देखे जा रहे हैं। ठीक है, मैं तो सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ, इसको जीरो नहीं समझेगा कोई, एक्स 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 जीरो 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 क्या है ये सब। ठीक है, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई क्या, ये बात क्लियर हुई क्या, बोलिए। नेक्स्ट देखते हैं आगे वाले। ठीक है, तो हमें क्लियर हुआ दो का, चार का, आठ का। ठीक है, आगे वाले और देख लेते हैं जरा। हाँ, अब देखते हैं बच्चों तीन का, तीन का नियम देखते हैं, है ना। तीन का नियम क्या है, अगर किसी भी संख्या है, कोई भी संख्या है, उनके अंकों को अगर हम आपस में जोड़ेंगे, कोई भी नंबर है अगर उस उसकी संख्या के जो नंबर अंक हैं उनको अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो हमारी संख्या, अगर अंकों के योग, अंकों का योग जो है वो तीन से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या तीन से डिवाइड हो जाएगी। एक बार में समझिए, अब किसी भी संख्या के अगर अंकों का योग तीन से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या तीन से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, मेरा साफ साफ मतलब समझ लो, 3492। ठीक है, 3492। अब हमें ये चेक करना है तीन से भाग चला जाएगा या नहीं, तीन से भाग चला जाएगा या नहीं, तो इसको हम चेक करते हैं जरा। मैंने बोला अंकों को जोड़ लो आपस में, तीन और चार हुआ सात, नौ और सात सोलह, सोलह और दो अठारह हुआ योग। क्या अठारह में तीन से भाग चला जाता है, तीन से भाग चला जाता है अठारह में, क्या इस संख्या में भी तीन से भाग चला जाएगा, क्या चला जाएगा ना बच्चों। हाँ, तो मैंने बताया किसी संख्या के अंकों को अगर आपस में जोड़ दें और योग में तीन से भाग चला जाए तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ठीक है बच्चों, जरा इस क्वेश्चन को करके बताइए, 3216589 4 3 4 2 1, इसको करके बताइए, इस संख्या में तीन का भाग जा रहा है या नहीं, इस संख्या में तीन का भाग जा रहा है या नहीं, इस संख्या में तीन का भाग जा रहा है या नहीं। पॉज करके ट्राई कर लो, कॉपी लेके बैठा करो भाई। ठीक है, पॉज करके ट्राई कर लो बच्चों, करवाएं क्या। ठीक है, देखो सबसे पहले जो तीन बन जाए, मैं एक बात बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो तीन बन जाए, छः बन जाए, जिन जिन संख्याओं का योग, तो उनको काटते जाओ। ठीक है, जो बचती संख्या उनको उनको जोड़ दे एक बार। ठीक है, पहले तो मैंने जैसे बताया उसको उस तरीके से करते हैं, दो और एक तीन, चार तीन सात, नौ सात सोलह, सोलह और आठ चौबीस, चौबीस और पाँच उनतीस, उनतीस और छः हो गया 35, 35 और वन 36, 36 और दो 38, 38 और तीन, 38 और तीन कितना हो गया भाई 41। अब 41 में तीन का भाग नहीं जाता, देखो 41 में भी चेक कर लो, चार एक पाँच नहीं जाएगा। ठीक है, मैं बच्चों ये ऐड करने का, देखो इतने बड़े नंबर को ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप एक तरीका इस्तेमाल करेंगे क्या, जैसे ये तीन बन गया तो इसको नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें तो भाग चला गया है ना। दो और एक मिल गया, दो और एक तीन होता है, तो इन दोनों को भी मत जोड़ो, छः इसको भी मत जोड़ो, ये नौ मिल गया इधर, इसको भी मत जोड़ो भाई, दो और एक मिल गया, इन दोनों को भी मत जोड़ो, क्योंकि दो और एक तीन है, तीन में तीन का भाग चला जाता है, नौ में तीन का भाग चला जाता है, छः में तीन का भाग चला जाता है। ठीक है, और दो और एक तीन, इतने नंबर्स को मत जोड़ो। ठीक है, अब बचे पाँच, आठ, चार। ठीक है, अभी स्लो हो रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपका जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बचा पाँच, आठ और चार, आठ और चार होता है बारह, इन दोनों को भी मत ऐड करो, बचा कितना पाँच, है ना पाँच बचा, तो क्या पाँच में तो भाग जाता ही ना है, पाँच में भाग नहीं जाता तीन का, तो इस पूरी संख्या में नहीं जाता। अच्छा, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, इस संख्या में कितने जोड़ दिए जाएँ कि ये तीन से डिवाइड हो जाए, छोटी से छोटी संख्या बताओ, छोटी से छोटी संख्या बताओ, जे वो संख्या अगर इसमें जोड़ी जाए तो ये संख्या तीन से डिवाइड हो जाए। आपको समझ में आया क्या, देखो लास्ट हमारी पाँच बजती थी, अगर इसमें एक और जुड़ जाए तो ये छः हो जाती, यानी कि हमारी संख्या पूरी की पूरी डिवाइड हो जाती। क्या ये वाली कहानी समझ में आई, तीन का नियम समझ में आया क्या बच्चों।
ऐसा ही सेम टू सेम नौ का नियम है ऐसे ही सेम टू सेम 3, 3, 2, 1, 6, 5 इस संख्या को हमें चेक करना है कि 9 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो जोड़ो। अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़ 9 से कट गया तो वो संख्या भी 9 से कट जाएगी, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ठीक है। अब हमारी ये संख्या है, हमें इनके अंकों को आपस में जोड़ लेंगे, अगर 9 से भाग चला जाए तो हमारी संख्या पूरी कट जाएगी। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई? बोलो आई क्या? तो हम इसको जोड़ते हैं, 3 और 2 5 हुआ, 5 और 1 6, 6 6 12 और 5 हुआ तुम्हारा 17, 12 और 5 हुआ 17। क्या 9 से 17 में भाग चला जाएगा? क्या 9 से 17 में भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड नहीं होगी। एक बार फिर जोड़ लो, 3 2 5 1 6 6 12 5 17, 17 में 9 से भाग नहीं जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई? चाहे इतनी बड़ी संख्या ले लो, और उनके अंकों का योग, अगर उनके अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी, नहीं तो नहीं कटेगी। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई? है ना, मैं तो ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको आई और आएगी, कि क्यों ना, इतना इजी नियम है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप बार बार दोहरा रहे हो, हैं आएगी क्यों ना, हमें तो पहले से आएगी है, आप बार बार बता रहे हो। हाँ भाई पता है तुम्हें, लेकिन आगे समझो, इसको डायरेक्ट कर सकते, कैसे कर सकते हैं? अगर हमें बड़ी संख्या दे दी जाए, तो हम क्या उनको ऐड करके निकालेंगे? नहीं बच्चों, ऐड मत करना। मैंने दे दिया 3, 7, 2, 5, 4, 9, 8, 1, 6, 3। इस संख्या को क्या आप जोड़ के बताओगे? इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने जैसे 3 के लिए बताया था, जिन जिन संख्याओं का योग जो 3 बन रही है, 6 बन रही है, 9 बन रही है ना, जो संख्या 3 से डिवाइड हो रही है उनको काटते जाओ, है ना, जो बच रही है उनको देख लो। अब सबसे पहले 9 का हमें चेक करना है ना, तो जो जो संख्या 9 बनती जा रही है उनको उठाते जाओ। देखो 7 और 2 9, दोनों को उठा दो, 7 और 2 9, ठीक है, अभी पहले 3 को, बाद में लेंगे 3 को। 5 और 4 9 हो रही है, इसको उठा दो, 9 कट रही है, 9 को उठा दो, 8 और 1 9, दोनों को घटा दो, 6 और 3 9, दोनों को उठा दो, तो ये संख्या रह गई, है ना। हमें पता चल गया कि ये 3 जो है एक्स्ट्रा बच रही है, अगर इसको जोड़ेंगे भी तो 9 से डिवाइड नहीं होने वाली है, ठीक है। जिन संख्याओं का योग हमारा पूरा, जैसे 7 और 2 9 हुआ, इन दोनों को मत जोड़ो, 4 और 5 9 हुआ, दोनों को मत जोड़ो, 9 मत जोड़ो, 8 और 1 मत जोड़ो, 6 3 मत जोड़ो, बचा हमारा 3 बेचारा, इसका कोई भी साथी नहीं है बच्चों इधर जो 9 बना सके इसके साथ मिलके, तो हम कहेंगे कि ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं हो रही है, ठीक है। हम कहेंगे इस संख्या में 3 शेष बच रही है, 3 जो है रिमाइंडर आ जाएगी, ठीक है। हम कह देंगे कि इस संख्या में 9 का भाग नहीं जा रहा है, 9 का भाग नहीं जा रहा है इस संख्या में। तो बच्चों आप बताओ मुझे ज़रा, छोटी से छोटी ऐसी संख्या बताओ, इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता हूँ कि इस क्वेश्चन में ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे जोड़ने के बाद ये संख्या जो है 9 से डिवाइड हो जाए, बताइए ज़रा, बताइए ज़रा। इधर ये 3 बची थी, अगर इसके साथ 6 और मिल जाए तो क्या ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी? क्या ये संख्या 6 से डिवाइड हो जाए? ज़्यादा तेज हो गया क्या? ये संख्या 9 से आपको 6 से डिवाइड, 9 से डिवाइड हो जाएगी ना। एक्चुअली मेरे बोर्ड पर एक टिड्डा आ गया है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, ये आपको समझ में आया क्या? मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको ये समझ में आया, ठीक है। तो आगे वाले रूल्स की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, कैसा लगा बच्चों? कह लेता हूँ ना थोड़ा बहुत, हाँ पता है मुझे। देखिए हमने डिस्कस कर लिया दो का डिस्कस कर लिया क्या, 4 का डिस्कस कर लिया क्या नियम, 8 का डिस्कस कर लिया, 16 का कर लिया, 32 का कर लिया ना, इन सभी के नियम हमने डिस्कस कर लिए हैं, 3 का कर लिया, 9 का कर लिया, 3 का कर लिया, 9 का कर लिया, है ना। अब
ग्यारह का देख लो आप एक बार, ग्यारह का विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम छोटा लिख रहा हूँ क्या बच्चों, एक मिनट, विभाजकता का नियम। अगर कोई भी संख्या है, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझना जरा, 3, 4, 2, 1, 6, 4 ये संख्या है, ठीक है। तो इस संख्या में हमें पता करना है कि इस संख्या में 11 का भाग जाएगा या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, 4 और 1, 5 एक संख्या छोड़ करके जोड़ते जाएंगे, 4, 1, 5 पहले देखते जाओ, आप आराम से देखिए तसल्ली से, 4 और 1, 5 हुआ, 5 और 4, 9 हुआ, ठीक है 9। अब जो अल्टरनेटिव, जो अल्टरनेटिव नंबर्स को जोड़ेंगे है ना, अब ये बचा ना, 6 और 2, 8, 8 और 3, 11, 6 और 2, 8, 8 और 3 11 हुआ, और ये कितना हुआ था, 4, 1, 5, 5, 4, 9 हुआ था, ठीक है, 4 ये कितना हुआ था, 9 है ना। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 2। अब इन दोनों का डिफरेंस ऐसे ही अल्टरनेटिव नंबर्स को जब हम जोड़ेंगे, इन नंबर्स का डिफरेंस अगर 0 हो या 11, 22, 33 यानी कि 11 से डिवाइड हो जाए या 0 हो, तो वो संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो जाती है। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई, ठीक है। एक एग्जांपल और देते हैं, देखो मैं एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छे से, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल देखिए, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 ये नंबर आपके सामने, पता कीजिए कि 11 से भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो मैंने बताया था अल्टरनेटिव नंबर को जोड़िए जरा, 3 और 1, 4, 4, 3, 7, 7 और 1, 8 इतना 8 हुआ, इनको जोड़ जरा, 2 और 4, 2, 6, 6 और 2, 8। अब बच्चों 8 में से 8 गया तो कितना बचा, 0। मैंने बताया था अगर इनका डिफरेंस 0 या 11, 22, 33, 44 आ रहा है तो वो संख्या 11 से डिवाइड होती है। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई बच्चों, आई क्या, मैं मान के चल रहा हूँ आई बच्चों, ठीक है। इस संख्या को नहीं, अब इस संख्या को बताना, 2, 5, 6, 5, 2 इस संख्या को बताइए जरा, वीडियो को पॉज करके बताइए जरा, ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं। कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई, थोड़ी बहुत जरूरत पड़ जाती है, हमारा तो दिमाग इतना तेज है सर, कॉपी पेन की जरूरत ना है, कंप्यूटर से भी दिमाग तेज दिमाग चला हमारा, करवाएं क्या, ठीक है। 6 और 2, 8 और 2, 10 इधर वाले नंबर जोड़ेंगे, 5 और 5, 10 दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों, 0 है ना। ज़रूरी नहीं हमेशा 0 ही आए, कितनी भी आ सकती है ना। तो हमें पता चला कि अगर डिफरेंस जो है 0 आए या 11 आए या 22 आए या 33 आए तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। हाँ भाई, अब तुम बताओ कि अब हम किसी संख्या को पता करना है कि वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं, बताओ क्या करेंगे, बताओ जरा, प्यार से पूछना भाई, बताओ प्लीज़ बताओ। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। अल्टरनेटिव नंबर्स को जोड़ते जाएंगे, अल्टरनेटिव नंबर्स को जोड़ते जाएंगे, 6 और 2, 8, 8 और 2, 10 और ये हुआ 5 और 5, 10, ठीक है, यानी जोड़ेंगे है ना। अगर अंतर 0 आ रहा है या 11 के पहाड़े में आ रहा है, 11 से कट रहा है, यानी कि 0 आ जाए या 11, 22, 33, 44 ऐसे आ जाए तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये संख्या पूरी की पूरी 11 से डिवाइड हो रही है। क्या ये वाली बात आपको समझ में आई, क्या समझ में आई क्या बच्चों, बोलते नहीं है बच्चों, आई क्या, हाँ ऐसे ही ऐसे बोला करो ताकि हमें पता चले कि आप जाग रहे हो या सो गए, वीडियो देखते देखते सो तो नहीं गए। हाँ बोलो भाई, आगे चलते हैं, आगे हम नियम सीखते हैं। तो दोस्तों अभी हमने नियम देखे 2 का 4 का, ठीक है, मैंने नियम पढ़ा दिया 2 का 4 का 8 का 16 का 32 का, या आगे ऐसे ही नंबर्स आने वाले हैं उनका नियम आप जान चुके हैं, ठीक है। और आपने देखा 3 का 9 का, ठीक है, 3 का 9 का नियम देखा गया आपने, अभी 11 का नियम देखा था अभी जस्ट आपने, ठीक है, 11 का नियम क्लियर हुआ, ये सभी नंबर्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। आगे नंबर्स देखें क्या, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं 5 का नियम मैं क्या ही बताऊं बच्चों, इतना ईजी नियम है, 5 का नियम क्या ही बताऊं, आपको पहले से पता है, इसको मत बताओ भाई,
इसको मत बताओ सर। अरे बता दो प्लीज, देख लो एक बार, है ना। अगर आपको पीछे संख्या के पीछे जीरो और पाँच दिख जाए, अगर जीरो और पाँच दिख जाए तो वो संख्या पाँच से डिवाइड हो जाती है। क्या ये वाली बात आपको समझ में आ रही है? अगर आपको किसी भी संख्या के पीछे पाँच या जीरो दिखाई दे तो वो संख्या पाँच से डिवाइड होगी या नहीं? होगी, ठीक है। वो संख्या पाँच से डिवाइड होगी जिस संख्या के पीछे जीरो और पाँच दिख जाए, ठीक है, है ना। ऐसे ही 25 का नियम है। 25 के नियम में क्या देखेंगे? पिछले दो अंकों को देखेंगे। पिछले दो अंक अगर 25 से डिवाइड हो रहे हैं, पिछले दो अंक अगर 25 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या 25 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अच्छा बच्चों, मैं कितनी भी बड़ी संख्या ले दूं तो क्या आप 5 से 25 से बता दोगे क्या? ठीक है, मैंने इतनी बड़ी संख्या ले ली, मान सपोज कर लो इतनी बड़ी संख्या ले ली मैंने। सर आप तो छोटे से लग रहे हो फोन में। अरे अब समझ लो बच्चों, इतनी बड़ी संख्या ले ली मैंने, है ना। तो अगर मैंने पीछे जीरो लिख दिया तो क्या वो संख्या 5 से कट जाएगी? क्या कट जाएगी ना, है ना। अगर मैंने 5 लिख दिया तो वो संख्या 5 से कट जाएगी? कट जाएगी ना। ऐसे ही मैंने कहा पिछले दो अंकों को देख लो 25 के लिए। अगर आपको 25 मैंने लिखा, कितनी बड़ी संख्या लिख दी मैंने? लिख दिया 75, ठीक है। मैंने संख्या लिख दी बहुत बड़ी संख्या लिख दी, ठीक है, पीछे लिख दिया 75। क्या ये पूरी संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक संख्या 25 से कट जाएगी? 25 से कट जाएगी क्या? कट जाएगी, ठीक है। 75 आ गया पीछे, हमें पता है 75 25 से कटता है 3 बार, है ना। 25 दिया 75, 25 जा 3 के। बच्चों आप कुछ बच्चे सोचते हैं कि हिंदी में कि नहीं, इंग्लिश और हिंदी, मतलब हिंदी में पढ़ते हो आप पहाड़ी वगैरह, तो आप मुझे एक बात बताओ, कौन सी बात आप जल्दी कह दोगे? 25 जा 75 ये वाली बात जल्दी कह दोगे या 25 थी 75? बताइए, खुद सोच के बताइए, बताइए ज़रा। अच्छा मैं कहूँ, इसको इंग्लिश में बोलो ज़रा, 150 बोलेंगे बच्चे, और मैं इसको 150 बोल दूँगा, तो आप खुद सोच लो, ठीक है। हिंदी में भी थोड़ी सीखनी चाहिए ना हमें, हिंदी में भी गिनती आनी चाहिए अच्छे से। 75 यानी 75 बोलने में ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। मैंने बोला टॉपिक से भटक रहे हैं क्या? इसको देख लो, 661 इंग्लिश में बोल रहे हैं, 661। कौन से नंबर को जल्दी बोल सकते हैं बताओ? 661 वाले को, है ना। तो बजो वैसे तो आपकी मर्जी है, आप जिसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जिसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं उसको कीजिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि हिंदी इज़ द ईजीएस्ट। तो देखो 25 25 में पिछले दो अंकों को देखेंगे, ऐसे ही 125 है उसमें हम 3 अंकों को देखेंगे। कितनी भी बड़ी संख्या हो अगर पिछले तीन अंकों में 125 का भाग चला जाए तो वो संख्या हमारी 125 से डिवाइड हो जाती है। कितनी भी बड़ी संख्या ले लो बच्चों, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, अगर 125 से भाग चला गया तो वो संख्या पूरी की पूरी 125 से कट जाएगी। तो बच्चों हमने 5, 25 और 125 का नियम भी क्लियर करा दिया। 5 देखो एक जैसे नियम उनको एक साथ करवाते जा रहे हैं, ठीक है। 5, 25 और 125, मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये नियम समझ में आया। 5 के लिए 0, 5 देखो, 25 के लिए पिछले वाले दो अंक देखो, जिनमें अगर 25 का भाग चला जाए तो 25 का भाग चला जाता है। बात समझ में आई? समझ में आई क्या बच्चों? ठीक है, अब 125 है कोई नंबर, 125 से पता करना है कि उसमें डिवाइड हो रही है नहीं। तो पहले बड़ी संख्या में कितनी बड़ी संख्या ले लो, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, उसके अगर तीन पीछे वाले तीन अंकों में 125 से भाग चला गया तो पूरी संख्या 125 से कट जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? बोलो बच्चों, आई क्या? आगे चलते हैं बच्चों, हम एक बार 7 का नियम डिस्कस कर लेते हैं। 7 का नियम अगर कैसा है, 7 के नियम को मतलब किसी संख्या को कैसे देखकर पता चले कि कितनी शेष आ रही है और ये 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे हम एक नंबर को, देखेंगे 1, 1, 3, 2, ठीक है, 1, 3, 2, 4, 5, 6, है ना। इस संख्या को हमें देखना है कि ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी या नहीं, ये संख्या 7 से। तो सबसे पहले आप तसल्ली रखेंगे और आराम से देखते जाएंगे कि आखिर 7 का नियम क्या है। तो सबसे पहले इन तीन नंबर को लो, ये तीन संख्या ले ली, फिर इन तीन संख्या को लो, ठीक है। ऐसे ही अल्टरनेटिव तीन तीन संख्या लेते जाएंगे, ठीक है, लेते जाएंगे। तो देखो सबसे पहले 4, 5, 6 इन तीन नंबर्स में से इसको उठाना शुरू करेंगे। 1, 3, 2 मुझे पता है
मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं क्लियर कर दूंगा, एक मिनट को जरा। इन दोनों के अंतर से अगर साथ में पूरा पूरा भाग चला जाए तो ये संख्या हमारी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो हमने घटाया, 6 में से 2 गया तो 4, 5 में से 3 गया तो 2, 4 में से गया तो 3 बटे 7। अगर 324 में 7 से पूरा पूरा भाग जाए तो हमारी ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब एक और एग्जांपल देखिए ज़रा, मैं बारी बारी एग्जांपल करवाऊंगा, मैं आपकी क्वेरी समझ सकता हूँ, ठीक है। 2 1 2 1 4 3 2 6 7 8 ऐसे करके एक नंबर है, उसमें हमें बताना है कि 7 का डिवाइड चला जाएगा कि नहीं। तो आप आराम से देखेंगे, ठीक है। पहले तीन तीन नंबर्स के जोड़े बनाओ, है ना, तीन नंबर्स का बन गया, तीन का है नहीं तो इधर दो का ही बन जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों भाई भाई हुए, इन दोनों को जोड़ के इसको उठा दें, इन दोनों को जुड़ के इसको उठाएंगे तो 6 7 8 + 21, छोटा लिख रहा हूँ क्या, बड़ा देख लो, 6 7 8 + 21, इसमें से 432 को उठाएंगे और 7 से भाग देंगे, है ना। तो हमें पता चला, है ना, अब इन दोनों को जोड़ के इसको घटा करके, मैं आगे नहीं सॉल्व कर रहा, आप देख लो यार, इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा करके अगर 7 से भाग चला जाए पूरा पूरा तो हमारी संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अगर शेष बचती है तो शेष है, पूरी पूरी नहीं जा रही, है ना। आगे एक 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 एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा 2 1 4 7 1 2 3 2 1, क्या ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही है क्या। मैंने कहा तीन तीन के पेयर बना लो, पहले तीन तीन के पेयर बनाओ, ये बन गया एक, है ना। मैंने कहा ऐसे नंबर्स को जोड़ते हो, इसको जोड़ देंगे 3 2 1, एक मिनट मैं देख लो जरा कैमरे में आ रहे हो क्या, आप आ रहे हो, 3 2 1 + 2 1 4 जोड़ा, माइनस कर दिया, 7 1 2 / 7, यानी कि ये और ये जुड़ेगा, है ना। जुड़ने के बाद 712 को घटा देंगे और 7 से भाग दे देंगे, अगर 7 का भाग चला गया तो संख्या पूरी पूरी कट रही है, अन्यथा नहीं कट रही है। बच्चों ऐसे ही सेम टू सेम तेरे का भी नियम है, ऐसे ही तेरे का भी नियम ऐसे ही काम करता है, है ना। तीन तीन के पेयर्स बनाओ, है ना, अल्टरनेटिवली, और फिर माइनस कर दो, अगर उस संख्या में 13 से भाग चला जाए तो पूरी पूरी संख्या कट जाएगी। 13 का और 7 का सेम है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमने कितने नंबर्स क्लियर कर लिए। ये 13 का नियम होता है, ज़्यादातर को पता नहीं होता। बच्चों सुनो, 7 का नियम है ये, जो ज़्यादा काम में नहीं आता, इससे अच्छा आप ऐसे करके देखोगे, मेरे ख्याल से आप डायरेक्टली अगर डिवाइड कर लेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। नियम इसीलिए होते हैं ताकि हम इसी से कर सकें और हमारा सटीक आंसर आ जाए और हम आइडियाज़ लगा लें कि क्या क्या आने वाला है ना, कैलकुलेशंस में आइडियाज़ लगाए जाते हैं, है ना। तो वो सभी करने के लिए हमें नियम पता होना ज़रूरी है, लेकिन 7 का नियम ऐसा है जिसको आप डिवाइड जल्दी कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप डायरेक्टली डिवाइड करके देखोगे, जैसे 4 3 2 है, अगर आप ऐसे नियम लगाओगे तो आपको टाइम लग सकता है ना। तो आप जब 7 का भाग लगाओगे, 7 5 7 6 42, एक बचा, 12 हो गई, 7 1 7 3 2 5 बची 749, यानी कि शेष बच रही है 2 2 / 7 लिख देंगे, अगर 7 से भाग दे रहे हैं, 7 से भाग लगा रहे हैं तो 7 से भाग लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप डायरेक्टली जल्दी कर जाएंगे, है ना। अगर आप नियम लगाते रह जाएंगे तो शायद वो लेट हो पाएगा, है ना। ऐसे ही 7 का, ऐसे ही 13 का, 13 का नियम ऐसे ही तीन तीन के पेयर्स बना के अल्टरनेटिवली घटाकर जोड़ेंगे, तो हमारा अगर वो जो है आंसर जो आ रहा है वो 13 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो बच्चों, तो 4 8 16 32 ऐसे ये क्लियर हो गए, ठीक है। फिर मैंने बोला 3 3 9, फिर इसके बाद एक जैसे ले रहे हैं, ठीक है, 5 25 125, ये सभी क्लियर हुए थे, ठीक है। फिर मैंने बताया था 11 का, 7 का, 11 का, 13 का, पहले 11 का बताया था, फिर 7 का बताया था, फिर 13 का बताया था, हाँ। 10 का नियम, 10 का नियम किसी बच्चे को पूछना तो नहीं है, 10 का नियम जिसने पूछा उसमें पड़ेगा मुक्का, याद रखना बच्चों, नहीं पड़ेगा मुक्का, नहीं मार सकता मैं आपने, ठीक है। तो 10 का नियम भी कोई पूछने वाली बात है क्या बच्चों, 10 का नियम तो कोई भी बता देगा, 10 का नियम क्या होता है बताइए। 10 का नियम होता है, अगर पीछे 0 मिल जाए तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगी, ये पूछने की बात नहीं थी वैसे, बताने वाली बात भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें एक बार बता देते हैं, बच्चों का खेल है, अगर आपको पीछे 0 दिख जाए तो वो संख्या 10 से डिवाइड हो रही है। इतने हम क्लियर कर चुके हैं,
एक दो तीन चार पाँच छः। अब छः को देखते हैं, छः कह रहे हैं अगर किसी संख्या में दो से और तीन से, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है, दो गुणा तीन, अगर ऐसी किसी संख्या में दो और तीन से भाग चला जाए तो क्या वो संख्या छः से डिवाइड हो जाएगी क्या बच्चों, बताइए ज़रा। अगर किसी संख्या में दो से भाग जा रहा है ना, और दो से भाग जा रहा है और तीन से जा रहा है, तो वो संख्या छः से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अगर एक से भी नहीं गया तो पूरी से भी नहीं जाएगा, है ना। मैंने कहा दो चार छः, क्या इस संख्या में तीन से डिवाइड, छः से डिवाइड चला जाएगा क्या, चला जाएगा, क्योंकि पहले तीन तीन से चेक करेंगे, चार और दो छः, छः बारह, तीन से जा रहा है, दो से चेक करेंगे पीछे छः है जा रहा है, तो इस संख्या में छः से भाग ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या इस संख्या में चला जाएगा, थ्री टू वन, इसमें चला जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि थ्री से तो जा रहा है लेकिन टू से नहीं जा रहा, और पहली बात तो ऑड नंबर कभी इवन नंबर के पहाड़े में नहीं आता है। अच्छा तो ऐसा एग्जांपल ले लो फिर, इसे देख लो, 252 में छः का भाग जा रहा है क्या, पाँच दो सात दो नौ, तीन से चला गया, चला गया, दो से चला गया पीछे तो छः से भी चला जाएगा, तीन से चला गया दो से चला गया तो छः से भी चला जाएगा। ऐसे ही हम बारह का चेक कर लेंगे, बारह का गया, अगर चार से चला गया और तीन से चला गया तो हमारी संख्या पूरी पूरी बारह से कट जाएगी, तो हमारी संख्या पूरी पूरी बारह से कट जाएगी। ये वाली बात आपको क्लियर है? हाँ, अगर चार से भी चला गया तीन से भी चला गया तो बारह से भी चला जाएगा। ऐसे ही चौबीस है, ठीक है, ऐसे ही चौबीस है, चौबीस में आप देखोगे आठ का चला जाए और तीन का चला जाए तो वो संख्या 24 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी क्या, वो संख्या 24 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अगर 8 से और 3 से पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या पूरी पूरी 24 से डिवाइड हो जाएगी क्या, आपको बात क्लियर हुई बच्चों, हुई क्या, हुई, मैं मान के चल रहा हूँ हुई। देखो जरा आप, ऐसे हमें 77 से ट्राई करना है, 77 या 88 या 90 से ट्राई करना है ना, और इतने को देखते हैं, 7 और 11 है ना, 11 से और 7 से डिवाइड हो जाए तो 77 से भी डिवाइड हो जाएगी। 88 का क्या है, 11 से और 8 से डिवाइड हो जाए तो ये संख्या 88 से भी डिवाइड हो जाएगी, कोई भी संख्या ले लो, है ना। इसको देखेंगे 10 से डिवाइड हो जाए और 9 से डिवाइड हो जाए, 10 से डिवाइड हो जाए और 9 से डिवाइड हो जाए तो क्या वो संख्या पूरी की पूरी 90 से डिवाइड हो जाएगी क्या, आपको बात क्लियर हुई बच्चों, हुई क्या। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बेसिस पर, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, कुछ भी हो तो ट्राई करते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। मैं आपके लिए क्वेश्चन देख लेता हूँ ज़रा, हाँ तो ये है क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है अगर 11 से अगर हम भाग देते हैं तो कितना शेष आएगा, 11 से भाग देते हैं तो कितना शेष आएगा, अकलमंदी से करना, ठीक है, क्वेश्चन को ज़रा 11 से भाग, पॉज करो बच्चों, ट्राई करो ज़रा, 11 से भाग करने पर कितना शेष आएगा, कर लिया क्या, 11 से भाग करने के बाद कितना शेष आएगा आपको ये निकालना है। चलो करवाते हैं, ठीक है, देखो ज़रा, मैंने बताया था अल्टरनेटिव नंबर को जुड़ते जाओ, 2 और 1 3 4 3 7 7 और 1 8, ठीक है, 8 हुआ 8। अब अल्टरनेटिव नंबर्स को जोड़ दो फिर से, 8 5 13 13 और 7, 8 5 13 13 और 7 20, 20 और 9 29, 11 अगर 29 में से 8 जा गया तो 21 बचेगा, माइनस के 21 बटे 11, माइनस की कैसे आया जानते हो ना, 8 में से माइनस के 29 गया तो माइनस के 21 बटे 11। अब बच्चों माइनस का रिमाइंडर क्या होगा, पहली बात तो ये रिमाइंडर कितना आएगा पता है, 11 में से 21 भाग लगाएंगे तो ये आएगा, पहले तो इसमें तो रिमाइंडर निकाल सकते हो बच्चों, इसमें कितना आएगा, माइनस के भाग लगा दें तो आएगा 10,
दस आएगा ना, ग्यारह एक ग्यारह, इक्कीस में से ग्यारह गया तो दस, दस रिमाइंडर होगा माइनस के दस, है ना। माइनस के दस रिमाइंडर का मतलब जानते हो, माइनस के दस रिमाइंडर का मतलब, इसको समझने से पहले आप एक छोटी सी बात समझिए। इधर मैंने बोला अगर हम चार से भाग दे रहे हैं, चार से भाग दे रहे हैं हम पच्चीस में, ठीक है, चार छक्के चौबीस, एक तो प्लस रिमाइंडर है ना, एक बार हमने आगे बढ़ा दिया भाग, चार चार छक्के चौबीस, एक तो रिमाइंडर है ही, पॉजिटिव रिमाइंडर, लेकिन हमने एक बार आगे और भाग बढ़ा दिया, चार से भाग दिया, चार छक्के चौबीस, चार छक्के चौबीस, चार सत्ते अट्ठाईस, चार सत्ते अट्ठाईस, एक बार देख लूँ वीडियो चालू है नहीं, हाँ जी चालू है, चार सत्ते अट्ठाईस, यानी कि अट्ठाईस एक बार आगे निकाल दिया, आगे निकाल दिया तो अट्ठाईस में से अगर हमने पच्चीस कटाए तो तीन, मैंने कहा माइनस के तीन जो है नेगेटिव रिमाइंडर है। देखो एक बार हम पीछे रखते हैं ना, एक बार जस्ट पीछे रखते हैं, जो पच्चीस है, पच्चीस से पीछे क्या है चौबीस, चौबीस पूरा पूरा जाता है तो एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया, लेकिन एक बार आगे निकाल के जो शेष बचता है वो नेगेटिव रिमाइंडर होता है, ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर माना जाएगा। कैसे, एक बार देख लो जरा, क्लियर करता हूँ मैं आपको, चिंता ना करो, ठीक है। हमने चार से भाग, चार छक्के चौबीस, ऐसे तो प्लस का रिमाइंडर आएगा, ठीक है, लेकिन एक बार हम आगे बढ़ाते हैं, चार सत्ते अट्ठाईस, अब इसमें से तो ये जाएगा नहीं, इसमें से जाएगा तो कितना बचा, माइनस के तीन, ये शेष हुआ, माइनस के तीन रिमाइंडर है, ठीक है। तो लेकिन एक बात समझिए, माइनस के तीन रिमाइंडर है, मैं ये समझाना चाहता हूँ इससे, माइनस रिमाइंडर से थोड़ा मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ कि माइनस के जो रिमाइंडर होती है वो क्या होती है। माइनस के रिमाइंडर अब जो है कितने से बचने वाली है, इससे कम होता है, माइनस के रिमाइंडर को अगर इसमें से घटा देंगे तो वही हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, यानी कि इन दोनों को जोड़ के ये आता है। अगर माइनस के तीन अगर नेगेटिव रिमाइंडर है तो पॉजिटिव रिमाइंडर वन होगा। अगर हम पाँच से डिवाइड करते, माइनस के चार रिमाइंडर होता तो प्लस का रिमाइंडर कितना होता, वन, माइनस के दो होता तो प्लस का रिमाइंडर होता तीन, माइनस के तीन रिमाइंडर होता तो प्लस का रिमाइंडर होता दो। क्या ये बात आपको समझ में आई, तभी तो जोड़ के पाँच होगा, है ना। अब ऐसे ही हमारा माइनस के रिमाइंडर दस है, ग्यारह से भाग लगा रहे हैं, माइनस का रिमाइंडर वन है, तो शेष कितना आएगा एक, चाहे आप सॉल्व करके देख लो, ठीक है बच्चों। क्या ये बात आपको समझ में आई, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने बड़ी मेहनत से एक क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को देखिए ज़रा। इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि तीन अंकों की एक संख्या है 4a3 को एक और तीन अंकों की संख्या से 984 से जोड़ा जाता है, यानी कि इस संख्या में इसको जोड़ते हैं तो हमें ये संख्या प्राप्त होती है 13, 20, 7, चार अंकों की ये वाली संख्या प्राप्त होती है। तो ये जो संख्या है 11 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो हमें a प्लस b बताना है बच्चों। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, आपको क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। तीन अंकों की संख्या 4a3 को अन्य तीन अंकों की संख्या 984 से जोड़ा जाता है तो एक चार अंकों की संख्या 13b7 प्राप्त होती है जो 11 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो a प्लस बी बराबर क्या है बताइए जरा बच्चों, प्लीज ट्राई करो, पॉज करके वीडियो को प्लीज ट्राई करो कॉपी पे। ट्राई करो तो सही भाई, ट्राई कर लो, हम सॉल्व कराएं तो उसी का इंतज़ार रहता है आपको। ट्राई करते नहीं हो तो कैसे काम चलेगा, ट्राई कर लो एक बार, मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा। करें क्या बच्चों, करें, ठीक है, पॉज करके ट्राई कर ही लिया होगा, एक बार देख लो। हमने कहा कि 4a3 में एक संख्या है 984, अगर आप उसको जोड़ते हो 984 को 4a3 में जोड़ते हो तो हमें एक चार संख्या, चार अंकों की एक संख्या प्राप्त होती है जिसका नाम है 13b7। और हमें बताया गया है, ये इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो संख्या है 11 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। तो हमें पता है, इधर हमें पता है 11 का नियम है ना, हम निकाल सकते हैं बी की जगह पर क्या आएगा। मैंने 11 का नियम बताया था, अल्टरनेटिव नंबर को जोड़ो, अल्टरनेटिव नंबर को जोड़ो, 7 और 3 10 10, और इतने और बी, एक और बी। अब बच्चों आप ज़रा देखो, ज़रा गौर से देखो, इधर दो संख्याएं आ सकती हैं, 7 और 3 10 हो गया है ना। अब बी की जगह पर कितना आ जाए, या तो घटाने के बाद जीरो बचे, 10 में से कितने घटाएं कि जीरो बचे, ठीक है, या ये आ जाए घटाने के बाद
तो आप इतनी बात समझिए जरा, सात और तीन को जोड़ेंगे तो दस, और बी और एक, ए बी में कितने, यानी कि एक में कितने जोड़े हैं कि दस में से घटाने पर जीरो आए, बी में कितने यानी एक, एक में कितने जोड़े हैं, तो हमें पता चला नौ आ जाएगा इसकी जगह पे, नौ और अगर एक रख देते हैं तो हमारा दस हो जाएगा, तो दस में से दस जाएगा तो जीरो, तो हमें पता चला बी की जगह पर नौ आ सकता है, बी की जगह पर कितना आ सकता है, नौ, बी की जगह पर नौ आ सकता है, क्या नौ दिखाई दे रहा है आपको, हाँ जी, तो नौ आ जाएगा बी की जगह पर, है ना। तो हम इसको जोड़ के देखें, चार और तीन सात, अब नौ और आठ, देखो आप जब देखो हम कितने जोड़े हैं इसमें, इसमें हमें जोड़ना ही जोड़ी गई है संख्या, चार और तीन सात होता ही है, अब आठ है और कितना जोड़ें कि नौ हो जाए, एक ही जगह पर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो हमें पता चल गया एक ही जगह पर कितना है, ए बराबर है एक, बी बराबर कितना है, बी बराबर हमें पता चला नौ, तो हमें पूछा ए प्लस बी कितना होगा, ए प्लस बी कितना होगा, नौ प्लस एक कितना होगा, दस, नौ प्लस एक कितना होता है, दस। तो बच्चों इस क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर नहीं अच्छी लगी तो आपकी मर्जी है, ठीक है, अगर आपका मन करे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, ठीक है, तो ठोक देना एक बार, ठीक है बच्चों, चलते हैं अगली बार मिलेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों एक बात और, ये भी नंबर सिस्टम का ही एक हिस्सा है। बाय बाय बच्चों।